हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स। उससे पहले बोन के बारे में कुछ जनरल बताऊंगी। जो बोन्स हैं कितनी होती हैं टोटल बोन्स, 206 एडल्ट में, ठीक है। बर्थ के टाइम जो बेबी है उसमें होती हैं 300, जो कि आगे जाके फ्यूज़ हो जाती हैं, और कितनी रह जाती हैं 206 एडल्ट में। बोन मेनली क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है एंडोस्केलेटन को, और इसकी स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ये क्या कंटेन करता है, मिनरल साल्ट और कोलेजन। मिनरल इसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, जो किससे बनता है, आपका कैल्शियम फॉस्फेट से, यानी कि जो हाइड्रोक्सी पेप्टाइट है दैट इज़ अ मिनरल विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट। बोन मास की बात करें तो जो बोन डेंसिटी है यानी कि है ना, वो ह्यूमन स्केलेटन में मैक्सिमम होती है एट द एज ऑफ 21 ईयर। बोन मास इन द ह्यूमन स्केलेटन रीचेज मैक्सिमम डेंसिटी अराउंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है। और जो लार्जेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में उसको बोलेंगे फीमर, और जो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में उसको बोलते हैं स्टेप्स, ठीक है। ये तो था कुछ जनरल। अब हम पहुँचते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो 6 टाइप्स की बोन होती है, जिसमें कि आपकी लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन, इररेगुलर बोन, सिसेमॉइड बोन और सूचुरल बोन्स आती हैं। लॉन्ग बोन्स मेनली कंसिस्ट होती हैं, ये इसमें विजिबल स्ट्रक्चर्स जो हैं क्या क्या हैं, दैट इज़ डायफाइसिस, एपिफाइसिस, आर्टिकुलर कार्टिलेज, पेरियोस्टियम, मेडुलरी कैविटी और एंडोस्टियम, ठीक है। अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो इसमें जो मेन जो शॉफ्ट है वो किसका बना हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डायफाइसिस, जो कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल और थिक कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ है, ठीक है। अब ये कॉम्पैक्ट बोन क्या होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन को हम कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं, जो कि एक्सटीरियरली हार्ड होती हैं और हैवी होती हैं, और क्या कंटेन करती हैं, बोन मैरो और एडिबोस टिश्यू, ठीक है। येलो बोन मैरो और एडिबोस टिश्यू। एडिबोस टिश्यू क्या होते हैं, ये फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फैट सेल्स होते हैं, ओके। आपका इसके बाद आ जाता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या है, लॉन्ग बोन के अगर आप एंड देखेंगे, ठीक है, तो ये जो रीज़न है इसको बोलेंगे हम एपिफाइसिस, जो कि किसका बना होता है, कैंसिलस बोन का बना होता है, ठीक है। कैंसिलस बोन को हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं, और ये कैसे होता है देखने में, वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, और इस कैसा है, पोरस इन नेचर होता है, जिसमें कि रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती हैं, विच कंटेन अ रेड बोन मैरो, ठीक है। तो एपिफाइसिस को आप क्या बोलेंगे, इसके दोनों एंड जो है लॉन्ग बोन को, दैट इज़ कॉल्ड एपिफाइसिस, जो कि मेनली बना होता है किसका, कैंसिलस बोन का। और किस टिश्यू से फिल्ड होता है, ये रेड बोन मैरो से, और इसका मेन जो फंक्शन है टू प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड बोन। देन आपका तीसरा आ जाता है इसमें स्ट्रक्चर जो विजिबल है, दैट इज़ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, इट इज़ अ लेयर ऑफ हाई लाइन कार्टिलेज दैट कवर्स द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ एपिफाइसिस, ठीक है। एपिफाइसिस के जो आर्टिकुलर सरफेस है उसको कवर करके रखता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि कैसा है, हाई लाइन है। इसका जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है शॉक को एंड प्रोवाइड एक्सट्रीमली स्मूथ सरफेस टू मेक अ मूवमेंट ईजियर। इसके बाद जो इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज़ द पेरियोस्टियम। ये कैसा है, डेंस वाइट फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द बोन एंड अटैचेस टेंडन्स फर्मली टू द बोन्स। फिर आता है आपका मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी देखिए इसमें कैसी दिख रही है, बिल्कुल ट्यूब लाइक हॉलो स्पेस, किस रीज़न में, इन डायफाइसिस, और ये मेनली फिल्ड होती है येलो मैरो से। इसके बाद आता है आपका एंडोस्टियम, ये थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है दैट कैन लाइज इन मेडुलरी कैविटी। फिर आती है आपकी शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन कैसी होती है, आपकी क्यूब शेप्ड होती है विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, जिसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली अगर हम इसके डायमेंशंस को देखें तो ये एकदम इक्वल होती है। दे मेनली कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन, और ये स्पॉन्जी बोन जिसको कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको, कैंसिलस बोन कहते हैं, वैस्कुलराइज होती है, पोरस नेचर की होती है, और कवर्ड होती है कॉम्पैक्ट बोन से, जो कि हार्ड होती है और हैवी होती है।
शॉर्ट बोन में आपके मेन जो एग्जाम्पल आता है दैट इज़ द रिस्ट एंड एंकल. इसके बाद आती है आपकी फ्लैट बोन्स. फ्लैट बोन, दीज बोन्स आर थिन, और जैसे कि देखने में भी है ये फ्लैट, जनरली ये कर्व्ड होती हैं, और दो पैरेलल लेयर इसमें कॉम्पैक्ट बोन की होती है और बीच में होती है स्पॉन्जी बोन. ठीक है, इनकी वजह से जो इनका स्ट्रक्चर होता है लार्ज होता है, ब्रॉड होता है और फ्लैट सरफेस होता है. इसका जो एग्जाम्पल है इसमें आ गया आपका स्टर्नम. नाउ द नेक्स्ट इज़ अ इररेगुलर बोन्स. ये कि इनकी शेप कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है विथ शॉर्ट फ्लैट नॉच्ड रिज सरफेस. द वर्टिब्रा दैट फॉर्म स्पाइनल कॉलम, द बोन्स ऑफ द पैल्विस एंड द सेवरल बोन इन द स्कल आर एग्जाम्पल ऑफ इररेगुलर बोन. जो हमारी स्पाइन है, जो हमारा स्पाइनल कॉलम है, और वी से अ वर्टिब्रल कॉलम, ये छोटी छोटी वर्टिब्रा से मिलके बना होता है. तो ये जो वर्टिब्रा है, ठीक है, वर्टिब्रा जिस सर्वाइकल हो गई, लंबर हो गई, थोरेसिक हो गई, लंबर हो गई, है ना. तो इसमें लंबर वर्टिब्रा, इसका जो एग्जांपल आप दे सकते हैं, लंबर वर्टिब्रा में जैसे देखने डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है, इररेगुलर बोन है, या फिर बोन ऑफ पैल्विस हो गई और सेवरल बोन्स इन द स्कल, ये एग्जाम्पल है इररेगुलर बोन के. फिर आती है आपकी लास्ट सूचुरल बोन. सूचुरल बोन्स आर स्मॉल फ्लैट इररेगुलर शेप बोन. ये कहाँ पाई जाती है, दैट इज बिटवीन द फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल. दे वेराई इन शेप्स, दे वेराई इन नंबर, शेप, साइज एंड पोजिशन.